झारखंड में एक स्पेनिश पर्यटक के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये मामला हंस डीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहट इलाके का है। पीड़ित स्पेनिश महिला अपने पति के साथ भारत भ्रमण पर थी और इसी दौरान ये जोड़ा झारखंड पहुंचा हुआ था। पीड़ित महिला के मुताबिक 1 मार्च की रात वो अपने पति के साथ थी जब उनके साथ गैंग रेप की घटना हुई। महिला के पति के साथ भी मारपीट की गई। इस जोड़े ने इस घटना के बारे में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सूचित किया है। महिला के मुताबिक गैंगरेप के इस घटना में कुल 7 लोग शामिल थे। पुलिस ने कहा है कि सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है। हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ DIG सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से FSL के टीम और CID के टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। ये दोनों पति पत्नी अपनी बाइक पर दुनिया घूमने निकले हैं। इनके इंस्टाग्राम फीड के मुताबिक ये पिछले 5 सालों में 66 देशों से गुजर चुके हैं। बीते 6 महीने से ये भारत में थे। झारखंड आने से पहले वो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में घूम चुके थे। गैंगरेप की इस घटना पर झारखंड में विपक्षी दल BJP ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली जिस प्रकार से उनके पास आज घटना हुई महिला के साथ और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से, ये जो जानकारी ये तो और ही दर्दनाक कहानी। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, 1-2 आदमी गिरफ्तार भी हुआ है और निर्देश दिया गया है जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। झारखंड में कांग्रेस की महिला नेता अंबा प्रसाद ने इस घटना की निंदा की है और उम्मीद जताई है कि सरकार ठोस कार्रवाई करेगी। बहुत ही निंदनीय है कि हमारे मतलब जो एक फॉरेन कंट्री से एक महिला है उनके साथ ये हादसा हुआ है। हम उनके साथ हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और ये बहुत दुखद है। ऐसे असामाजिक तत्व के लोग को कड़ा कार्रवाई करके और उनको एक सबक देने का जरूरत है। बाकी ऐसे लोग जो समाज के बीच में रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ा सबक बने, ऐसा कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद भारत में मौजूद स्पेन के दूतावास के अधिकारियों ने झारखंड में अधिकारियों से बातचीत की है। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की बात करें तो झारखंड पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक पिछले 9 साल में झारखंड में बलात्कार की कुल 13,533 घटनाएं दर्ज कराई गई हैं।